शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयजा खान ने फलस्तीन के बारे में की गई सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी। गुज़िश्ता दिनों आयजा खान को इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर खामोश रहने की वजह से सोशल मीडिया सार्फीन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। अदाकारा के इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। इस कदर मकबूलियत के बावजूद इसराइली हमलों पर आयजा खान की खामोशी देखकर सोशल मीडिया सार्फीन शदीद गुस्से में आ गए। सोशल मीडिया सार्फीन ने आयजा खान से सवाल किया था कि आखिर किस वजह से वो फलस्तीन के मामले पर खामोश हैं। सार्फीन का कहना था कि वो आयजा खान का बायकॉट कर रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया से अनफॉलो कर रहे हैं। सार्फीन की तनकीद के बाद आयजा खान ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने फलस्तीन के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ ना उठाने की वजह बताई। आयजा खान ने कहा था कि मैं जानती हूँ कि रोज़ाना दुआ करना रोज़ाना पोस्ट करने से ज़्यादा ताकतवर है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और दूसरों पर उंगली उठाने और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से गुरेज करें। अदाकारा का कहना था कि हम सब के भी बच्चे हैं और हम सब इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि ये सब उन फलस्तीनी अवाम के लिए कितना तकलीफ देह है, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है अल्लाह बहुत जल्द इंसाफ दिलाएगा, आमीन। आयजा खान ने अपनी इस पोस्ट पर कमेंट सेक्शन को बंद किया हुआ था, लेकिन आज उन्होंने अपनी ये पोस्ट भी डिलीट कर दी। ताहम पोस्ट डिलीट करने की वजह अब तक सामने नहीं आई।